हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुज स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले जो द हिंदू के ऊपर एक नया आर्टिकल आया था कल। वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे अलग अलग, बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखे गए, बट जो द हिंदू का हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, क्योंकि इसके इसमें बहुत बड़ा कुछ खुलासा भी हुआ है टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई है जिससे सारे लोग एग्री नहीं करते और कुछ लोग एग्री कर भी जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग द टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में और क्या क्या चीज़ें खुल के आई हैं सामने हमारे, और द हिंदू उनकी हमने पिक किया, मतलब चूज़ क्यों किया। बाकी बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं न्यूज़ वाले, तो हम लोगों ने उनको क्यों नहीं लिया, बिकॉज़ द हिंदू जो है थोड़ा ऑथेंटिक है और यहाँ का जो है ना फेक न्यूज़ हमको जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है कल 21 मई को शाम को 6:30 बजे एक अपडेट किया था दिनकर भैया ने, मतलब ये दिनकर नाम के हैं इनके राइटर, ठीक है, कॉन्टेंट राइटर हैं। उन्होंने ये चीज़ पोस्ट किया था द टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में और क्या चीज़ें खुल गई। सबसे पहले तो इन्होंने सबसे जो हेडिंग इसका बना है, गवर्नमेंट सेट टू रोल आउट टूर ऑफ ड्यूटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल इनटू आर्म फोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं कही है कि आर्मी है कि एयरफोर्स है कि नेवी है, आर्म फोर्सेज लिखा गया। और जब आर्म फोर्सेज लिखा जाता है इसका मतलब हो जाता है सारी सेना के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो एक चीज़ बता दूँ, जैसे आर्म फोर्सेज जब भी बोल रहे होते हैं तो हम लोग तीनों सेनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ठीक है, सबको एक साथ। अब ये चीज़ें क्या क्या कुछ कुछ खुल के आई है, कुछ फनी चीज़ें भी सामने आई है, मैं आपको दिखाऊंगा और जिसको देख के आप लोगों को हंसी भी आएगा और गुस्सा भी आएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें सुन के थोड़ा अच्छा भी लगेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में क्या क्या ओपिनियन है, क्या क्या राय है, हमने पहले बात की थी। बाकी अपना जो राय आपने नया बना रखा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज आजकल इंसान का हर डे एक नया राय ओपिनियन बन ही जाता है। ठीक है, तो जनरली इन्होंने में देखो सेकेंड हेडिंग में इन्होंने बनाया ये द मूवीज़। यहाँ पे देखो बहुत बड़ा जो है ना, हम लोग हमेशा जो कहते थे ना कि ऐसा हो सकता है, वो इन्होंने एक तरीके से कह दिया कि जो सोर्स से उनको मिला है वो जब इन्होंने मेंशन कर दिया तो ऑब्वियसली वो बातें वही होती है। द मूव इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पे एंड पेंशन एंड फ्रीज अ फंड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी। अभी देखो इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्टेप लिया जा रहा है टूर ऑफ ड्यूटी का, इससे ऑब्वियसली जो है एक शानदार रिडक्शन होगा, मतलब कमी आएगी पे और पेंशन में। जनरली जब इसके ऊपर सारे लोग संभावना व्यतीत करते थे, मतलब बताते थे कि ऐसा हो सकता है, बट इन्होंने मेंशन कर दिया इस चीज़ों को द हिंदू वालों ने, तो इंसान को कन्फर्म ही समझ लो एक तरीके से, रीज़न इसका यही हो सकता है। अब इसके ऊपर संभावना ये व्यक्त नहीं करना है कि जैसे पेंशन पे खर्च किए जाने वाले पैसे और सेना के ऊपर जो खर्च किए जाने पैसे थे उसको बचाना चाहती है गवर्नमेंट, और उस पैसे को कहाँ पे, तो जो आधुनिकीकरण होता है ना, जैसे बोल रहे हैं मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो आधुनिक मतलब मॉडर्न टाइप की जो है टेक्निक जैसे यूज़ करेंगे, लाइक शूज़ वगैरह अच्छे रहेंगे, उनके कैप्स अच्छे रहेंगे, ये सभी चीज़ों पे पैसे खर्च किए जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा पैसे पेंशन वगैरह पे खर्च किए जाते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के सोर्स से इनको पता चला है, तो इन्होंने एक चीज़ मेंशन भी आगे किया, मैं आपको दिखाऊंगा कि टूर ऑफ ड्यूटी में आपको क्या, मतलब आपसे क्या बेनिफिट हो सकती है, वो भी चीज़ें आप यहाँ पर दिखाऊंगा। कुछ कुछ चीज़ें डाउट वाली है, सुनना इस वीडियो को ज़रा ध्यान से, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें जो यहाँ पर लिखा गया ये तो सबको पता है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल टूर ऑफ ड्यूटी फॉर शॉर्ट टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ जवान्स इन टू द 3 सर्विसेज ऑफ आर्म फोर्सेज फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इज़ ऑल सेट टू बी रोल आउट सून। यहाँ पे इन्होंने देखो, हम लोग 3 से 5 साल का उम्मीद रख रहे थे कि 3 साल का होगा या फिर 5 साल का, इन्होंने क्लियरली बता दिया द आर्म फोर्सेज फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो ये जो एग्जैक्ट डेटा हमको निकल के यहाँ से आता है कि 4 ईयर्स के लिए ऐसा कुछ लागू होगा, बिकॉज ये चीज़ फिक्स नहीं थी। अभी तक कुछ लोग कह रहे थे 3 ईयर्स होगा या फिर 5 ईयर्स होगा अदर कंट्रीज में जैसे होता है, बट इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मैंशन कर दिया इनका जो पीरियड ऑफ टाइम होगा वो 4 ईयर्स का होगा। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी का। और ये चीज़ें जो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है वो भी ज़रा ध्यान दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 ईयर्स होगा वो कैसे हो गया, क्या ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड होगा या फिर ट्रेनिंग को छोड़ के बात किया जा रहा है। ठीक है, ये जो 4 ईयर्स का मतलब सर्विस का टाइम जो होगा टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू जवानों का, या ये ट्रेनिंग को छोड़ के होगा या फिर ये सभी चीज़ें मेंशन कर दिया। देखो, ऑल रिक्रूटमेंट इन द 3 सर्विसेज विल बी थ्रू TOD रूट ओनली। ठीक है, द 4 ईयर स्टिंट विल इंक्लूड 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग एंड 3.5 ईयर्स ऑफ बेस। ठीक है, और डिफेंस सोर्स इन्होंने दे रखा है कि डिफेंस सोर्स से पता चला है कि जो ये 4 ईयर्स का टूर ऑफ ड्यूटी का सर्विस होगा इसके अंदर इनकी जो है ना ट्रेनिंग इंक्लूड होती है, और ट्रेनिंग में भी ऑब्वियसली उनको पैसे मिलते हैं, ट्रेनिंग फ्री में नहीं कराई जाती है, ट्रेनिंग पर गवर्नमेंट आप पे खर्च भी कर रही होती है और साथ में आपको मंथली पे भी कर रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे समझ लो ये किस तरीके से होगा, 6 मंथ्स का ट्रेनिंग यहाँ पे इन्होंने लिखा है और बाकी का जो है 3 ईयर्स एंड हाफ। ठीक है, मतलब 3.5 ईयर समझ लो। ठीक है,
3.5 साल का आपका जो है सर्विस होगा, ठीक है, जॉब होगा, और 6 मंथ का ट्रेनिंग, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 साल हो जाता है। तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया, जो कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 4 ईयर्स का ट्रेनिंग जॉब होगा और 1 ईयर का ट्रेनिंग, ठीक है, तो इस तरीके से 5 ईयर कैलकुलेट कर रहे थे, जो कि गलत डेटा था। तो एग्जैक्ट डेटा हमको पता चल गया कि ये एग्जैक्टली 4 ईयर्स ही होगा, बट इसी के अंदर अपना ट्रेनिंग 6 मंथ का इंक्लूड है। और कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देख के थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आएगा, वो चीज़ आगे है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये चीज़ मैंने बता दिया, ट्रेनिंग वाला सीन क्या था, ये चीज़ ज़रा यहाँ पे देखो, ये चीज़ है ना, आर्मी रिक्वायरमेंट रैलीज हैव बीन होल्ड फॉर ओवर 2 ईयर्स नाउ ड्यू टू द पैंडेमिक। ये चीज़ जो मतलब थोड़ा सा इन्होंने कहा कि आर्मी की जो रैली है, ठीक है, वो इन्होंने होल्ड करके रखा है पैंडेमिक के वजह से, ठीक है, कोविड के वजह से, सिंपली समझ लो। तो गाइस 2 साल के अंदर बहुत सारी रैलियाँ हुई है, ये गलत लिखा गया है कि होल्ड किया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो चीज़ ये चीज़ ठीक है कि आर्मी की रैली होल्ड की गई है, ये इन्होंने ठीक लिखा है, बट अगर सिर्फ हम बोल दें कि रैली होल्ड है तो ये गलत है, बिकॉज इन 2 सालों के अंदर बहुत सारी रैलीज हुई है, लेकिन वो आर्मी की रैली नहीं थी, वो पॉलिटिकल रैली थी, ठीक है। तो फिर गाइस यहाँ पे पॉलिटिकल रैली के लिए तो कोई पैंडेमिक नहीं माना गया, ठीक है, और हमने देखा भी पैंडेमिक के दौरान भी जितनी पॉलिटिकल रैलीज हुई उसमें कोविड के इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो नहीं किया गया था बढ़िया से, फिर भी चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट है फिर भी जो करेगी अच्छा ही करेगी। आगे देखो, एक्सप्लेनिंग द ब्रॉड, यहाँ पे जो है मॉडलिटीज सेकेंड सोर्सेज दैट द रिक्रूटमेंट अंडर TOD वुड गेट सैलरी एंड बेनिफिट, इज तो ये चीज़ पहले से पता है कि जो सैलरी और बेनिफिट्स होगा वो उनको रेगुलर पर्सनल के थ्रू मिलेगा, जो रेगुलर पर्सनल के थ्रू होते थे उनकी तरफ मिलेगा, ठीक है। और ये ना ये चीज़ हो यहाँ पे देख लो कि देयर विल बी सर्वेरेंस पैकेज ऑफ अराउंड 10 से 12 लाख आफ्टर 4 ईयर्स। ये देखो आफ्टर 4 ईयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, 10 से 12 लाख का क्या देंगे ये एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा, बस एक चीज़ मेंशन कर दिया गया, जैसे जब सेना में से जैसे एक तरीके से कह लो कि जब भी किसी चीज़ का रिटायरमेंट हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे मिलते हैं, तो अब ये एग्जैक्टली क्लियर यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो है कि क्या रिटायरमेंट के तौर पर भी 10-12 लाख देंगे क्या, ये चीज़ मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता, बट इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है जो कि बहुत अच्छा सी बात है, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो थिंकिंग ऑफ पोस्ट TOD कैरियर अपॉर्चुनिटीज एट दो रिलाइव फ्रॉम सर्विस वुड बी 21-22 ईयर्स। मतलब ये कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट जो भी TOD के कैरियर के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रही है, ठीक है, जैसे अभी क्या होता है ना कि जब बच्चे जब निकलेंगे TOD से रिटायर कर चुके होंगे 17-18 से तो जॉब उनको मिल जाता है एग्जैक्टली, तो 21-22 साल के बच्चे होंगे जो वो निकलेंगे TOD कंप्लीट करके अपना, ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी कंप्लीट करके, तो उनकी एज हो रही होगी 21-22 यही हो रही होगी, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं, 23 साल भी मान लो हो सकती है, चलो ठीक है। तो मतलब ये जो है अब उसके बारे में जो 21-22 साल का बच्चा है वो फिर क्या करेगा, इसलिए गवर्नमेंट उसके बारे में सोच रही है टू अवॉर्ड देम डिग्री, उनको एक डिग्री और सर्टिफिकेशन मिलेगी, ठीक है, इनको सोर्स से पता चला है कि जो कि आपके कैरियर में बहुत ही मतलब ये चीज़ हेल्प करेगी, तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है गाइस। यहाँ पे जो ये डिग्री और सर्टिफिकेट है ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, लाइक अगर 4 साल का अगर BTech करने जाते हैं जो बच्चे, ठीक है, तो उनको भी एक डिग्री मिलती है, उसी तरीके से आपको गाइस यहाँ पे TOD के थ्रू भी अगर 4 ईयर का जॉब मिल जाता है, साथ में कुछ पैसे वैसे कमा लोगे अच्छा खासा, और साथ में एक डिग्री मिल जाती है जो कि आगे एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह हो जाएगी, तो ठीक है चलो जो ला रही है, बट ये जो चीज़ इन्होंने मेंशन किया ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, ठीक है, कि उनको यूँ ही छोड़ा नहीं गया, उनको एक अच्छा सा डिग्री सर्टिफिकेशन मिलेगा जहाँ से कि जहाँ तक उनको गवर्नमेंट जॉब मिलनी या फिर प्राइवेट जॉब मिलनी अच्छे सैलरी के साथ कन्फर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि वो बेरोजगार रहेंगे, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ मिलेगा उनके हाथ, और वो पहले से भी अच्छा पैसा कमा के रख लिए होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और गाइस ऑब्वियसली आगे जो 4 साल के बाद आप अगर मान लो ये चीज़ अब इन्होंने लिखा तो मैं एक चीज़ क्लियर ही कर दूँ, देखना आगे होगा वही चीज़, 4 साल के बाद जो सर्टिफिकेशन मिलेगा उनको बाकी अदर सेनाओं में, जैसे कुछ ऑफिसर एंट्रीज के लिए एज ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, लाइक FCAT में एज ज़्यादा होता है, CDS में एज ज़्यादा होता है, तो इन सब में उनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ था इंपॉर्टेंट था, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ फनी चीज़ जो कि इसके अंदर लिखा गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुको, यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो यहाँ पे जो चीज़ लिखा गया मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको, इससे ऊपर थोड़ा सा अब यहाँ पे देख लो, तो इन्होंने लिख रखा है क्लियरली कि जो 4 साल होंगे इसके अंदर आपकी जो परमानेंट सर्विस होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 4 ईयर्स TOD करके आप परमानेंट कमीशन के मतलब मेंबर बन जाओगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं देंगे वो लोग, ठीक है, बट फिर भी आप अगर चाहते हो तो रेगुलर भर्ती को भी मतलब या फिर जो परमानेंट कमीशन के लिए फिर आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो, ये चीज़ हो सकता है, ठीक है,
देयर विल बी नो ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ अ सर्टेन परसेंट ऑफ परमानेंट कमीशन, ठीक है, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, बट अनदर राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट फ्रॉम अमॉन्ग देम द फर्स्ट सोर्स एक्सप्लेन, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें वही चीज़ मैंने जो बताया वो लिखा गया है. तो द मीन्स दैट देयर वुड बी नो परमानेंट रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर द आर्म फोर्सेज, जो मैंने बताया कि जो है अगले 4 साल तक जो है परमानेंट आप रिक्वायरमेंट के लिए उम्मीद नहीं करना उसके अंदर, ठीक है, ये चीज़ मेंशन कर दिया गया. और ये जो एक डेटा इन्होंने दे रखा है कि कितनी सारी वैकेंसीज खाली है, तो मैं देखो आर्मी के बारे में बात कर ले यहाँ पे, तो देयर आर इतने ओआर एंड जूनियर्स कमीशनड ऑफिसर इन द आर्मी, देख रहे हो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 11,000 35,799 पद खाली है आपके आर्मी में जो कि ओआरएस एंड जूनियर कमीशनड ऑफिसर के पोस्ट पे, ठीक है, वाइल देयर आज अ वैकेंसी ऑफ 97,177 ओआर और जेसीओ, मतलब 97,177 जो है ओआरएस एंड जेसीओज की पोस्ट खाली है इसके अंदर. आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ वो आर्मी का डेटा था. वहीं पे अगर देख लो सेलर के बारे में बात कर लेते हैं नेवी में, तो 63,515 जो है वैकेंसीज मतलब खाली है यहाँ पे सेलर के बारे में बात कर लेते हैं, तो ठीक है. और यहाँ पे और चीज़ दे रखा है कि शॉर्टेज ऑफ यहाँ पे 11,166 पोस्ट, वाइल देयर आर देखो यहाँ पे 1,38,000 एयरमैन की पोस्ट जो है एयरफोर्स के अंदर खाली है आपका, और शॉर्टेज है 4,850, ठीक है. तो ये सभी चीज़ें अराउंड 1.5 लाख के जो है आपका एयरफोर्स के अंदर जो है वैकेंसी है अभी, जिसको मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये सारे लोग को टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर मैक्सिमम से ज़्यादा मैक्सिमम ये टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर भर्ती कर देंगे, बिकॉज उन पर पैसे वैसे बचेंगे सब ये सभी चीज़ें. और ये पूरे के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एयरफोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आप एयरफोर्स में टीओडी सारे के सारे में टीओडी के थ्रू भर्ती किए जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टूर ऑफ ड्यूटी से भर्ती होंगे, ये चीज़ ले लेना आप लोग, ठीक है. और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो लास्ट मंथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड द राज्यसभा डैट ऑन द एवरेज 90-100 आर्मी रिक्वायरमेंट रैलीज आर हेल्ड पर ईयर, वाइल गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म पार्लियामेंट डैट रिक्वायरमेंट रैलीज प्लान बाई, चलो ये तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले 90 से 100 जो होते थे ना पर ईयर रैलीज होते थे, ये चीज़ कह रहे हैं, बट कोविड-19 सिचुएशन के अंदर वो नहीं करा पाए, इन्होंने ये चीज़ मेंशन किया गया है, ठीक है. बट एक चीज़ फनी चीज़ ये चीज़ है यहाँ पे, देखो इसमें देखो ये चीज़ कहाँ से डेटा उठा के लाया, इनको पकड़ के पूछना चाहिए था द हिंदू वाले से, कि देखो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है फॉर इंस्टेंस द आर्मी रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटेड 53,000, ठीक है, मतलब 53,431 कैंडिडेट्स को उन्होंने 2018-19 में इन्होंने आर्मी में भर्ती किया, चलो ठीक है, आर्मी में का डेटा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है. और यहाँ पे कह रहे हैं 80,572 कैंडिडेट्स इन 2019-20, और 2019-20 में भी इन्होंने कहा है कि 80,000-85,000 हम लोगों ने भर्ती किया आर्मी में, ठीक है, चलो ये मान सकते हैं, बिकॉज 19, 20 और 18 तक तो आराम से भर्तियाँ रैली चालू थी. बट इन्होंने ये चीज़ जो खाली किया है, वाइल देयर वॉज नो रिक्रूटमेंट एट ऑल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, और साथ में इन्होंने ठीक है लिख दिया कि अगले 2 साल में फिर कोई भर्ती नहीं हुई है, फिर भी एक चीज़ लिखा गया ड्यूरिंग द सेम पीरियड 2020 से 2021 एंड 2021 से 2022 द नंबर्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स मेड इन द नेवी ऑफ द IAF स्टूडेंट इतना एंड इतना इतना इतना. ये कह रहे हैं कि एयरफोर्स नेवी में 2020-21 और 21-22 में इन्होंने एयरफोर्स और नेवी में 8,269 और ये देखो 13,032. अच्छा ये चीज़ बताओ एयर 2021-22 में कब भर्ती करा दिया इन्होंने, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया. 2021 में तो लगता है मुझे कि कोई भर्ती उर्ती तो हुई नहीं अभी तक, और 2020 के लास्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उनका भी अभी तक कोई डेटा इन्होंने दिया नहीं है, तो समय ऐसे ही खा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, और जो भी रीज़न है, बट ये जो डेटा यहाँ पे साफ साफ गलत दिया गया है कि इन्होंने इतनी भर्तियाँ करा दी एयरफोर्स और नेवी में, तो एयरफोर्स और नेवी में ये जाके सोर्स से डेटा कलेक्ट करते, बट हम लोग कंटिन्यू 3-4 साल से इसी सब से जुड़े हुए, तो ये डेटा जो है बिल्कुल भी गलत है, इसमें 1% भी सही नहीं है, बिकॉज 21-22 के अंदर कोई भी जो है भर्ती हुई नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे कह सकते हो ये लास्ट पैरा में जो था, और कुछ कुछ न्यूज़ मैंने यहाँ से छोड़ दिया जो हमारे काम लायक नहीं था, तो इस लास्ट पैराग्राफ के अंदर देखो फालतू का न्यूज़ दे रखा है इन्होंने जो कि हमारे किसी काम लायक नहीं है, बल्कि ये देख के स्टूडेंट और भड़क जाएंगे, ठीक है. तो बाकी आपकी क्या राय है इसके ऊपर बताना, अब पूछनी भी बेकार ही है, बिकॉज बहुत सारे लोग टीओडी को पसंद नहीं कर रहे, कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, बाकी इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं अपना अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, अभिशाप देख रहे हो, या फिर वरदान, आप कमेंट करके देखना टीओडी को, ठीक है. बाकी मेरी क्या राय है मैंने पहले भी बताई थी, और अब आप बता दो कमेंट सेक्शन में.